सब्सक्राइब कीजिए द टेक्नो मुंडा को और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मिले हमारी अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज असिन खान, यू आर वाचिंग द टेक्नो मुंडा यूट्यूब चैनल। गाइज, आज हम बात करेंगे मिस्टर गुड्डू कुमार के बारे में। आपकी ऑन डिमांड पर एक बार फिर से मैं वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था गुड्डू कुमार के बारे में, एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं गुड्डू कुमार के लिए एक वीडियो लेकर। और आप सभी का ढेर सारा प्यार ऐसे ही मिलता रहे तो हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो गाइज, 2012 में एक लड़का मुंबई आया अपने सपनों को पूरा करने के लिए, जिसका नाम था गुड्डू कुमार। गुड्डू कुमार ने छोटे छोटे शोज किए और धीरे धीरे मुकाम पर अपने चढ़ने लगे। देखिए, जब हम किसी भी काम को करते हैं तो रास्ते में अड़चनें बहुत आती हैं, लेकिन उनको अवॉइड करने के बाद जो सक्सेस मिलती है उसकी खुशी एक अलग ही होती है। ऐसा ही हुआ था कुछ गुड्डू कुमार के साथ भी। वो लगातार मेहनत कर रहे थे और उन्होंने जाने माने पॉपुलर टीवी शो जैसे साथ निभाना साथिया, देश की बेटी नंदिनी और आप सभी का फेवरेट सीआईडी में भी काम किया है। उन्होंने साथ निभाना साथिया में 2 साल से ज़्यादा काम किया था। उसके बाद उन्हें एक नई पहचान मिली, लोगों ने उन्हें कॉन्टैक्ट किया और अपनी मूवीज़ में लीड वगैरह किया। जैसा कि आपको बताया कि शाहरुख खान से मिलने का सपना हर किसी का होता है, ऐसा ही हुआ था कुछ गुड्डू कुमार के साथ भी। वो अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए आए थे और कुछ दूरी पर, हमें मिस्टर गुड्डू कुमार ने बताया कि कुछ दूरी पर शाहरुख खान खड़े थे। वो उनसे मिलना चाहते थे लेकिन सिक्योरिटी इतनी थी कि वो उनसे मिलना चाहते थे पर मिल नहीं पाए थे। और हर किसी का सपना होता है कि एक बार शाहरुख खान के साथ बात करें, सेल्फी वगैरह लें, तो ऐसा सब सोचते हैं बिकॉज वो सभी की फेवरेट है। तो ऐसा ही हुआ था गुड्डू कुमार के साथ भी। लेकिन कुछ टाइम बाद जब शाहरुख खान अपनी फिल्म का प्रमोशन कराने उनके शो में आए तो गुड्डू कुमार को उसका डायरेक्टर बनाया गया था। और उन्होंने बताया कि वो एक अमेजिंग सा एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम तो मैं उनके सामने खुल नहीं पाया था, इतनी सारी सिक्योरिटी थी, मैं बनाया गया था डायरेक्टर तो अजीब लग रहा था। मतलब ऐसा कुछ टाइम बाद वो इतने फ्रेंकली हैं कि हम वो मेरे से इतना ज़्यादा खुल गए कि मैं और वो दोनों फिर मतलब अच्छा लगने लगा उनके साथ। मतलब सोचा नहीं था कि ऐसा कभी लाइफ में होगा, लेकिन ऐसा हुआ था। और उसके बाद तो उनकी ज़िंदगी बदलती चली गई और लगातार फिर उनको कांटेक्ट करने लगी डायरेक्टर वगैरह, और फिर उनको मूवीज़ वगैरह मिलने लगी। और लॉकडाउन की वजह से जितना भी था हर किसी के करियर पर इफेक्ट पड़ा और उसी का सामना गुड्डू कुमार ने भी किया। गुड्डू कुमार मूवी की शूटिंग कर रहे थे और उसी बीच में लॉकडाउन लग गया, फिर उनकी लाइफ में एक ब्रेक आ गया। और उन्हीं की लाइफ में नहीं, सभी की लाइफ में वो ब्रेक आ गया। और जैसे ये लॉकडाउन वगैरह हटेगा तो एक बार फिर से उनकी ज़िंदगी अपने रास्ते पर फिर से दौड़ेगी। तो तब तक के लिए इतने इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है काफ़ी है। और उनके बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो मैं बता रहा था आपको कि गुड्डू कुमार ने हमें बताया कि लोग कुछ भी बोलें, तू नहीं कर पाएगा, तू कर नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, तू नहीं है, तू उस लायक नहीं है, तू कर ही नहीं पाएगा, ये सब लोग बोलते हैं। और स्टार्टिंग में वो लोग तुम्हारा हंसी उड़ाएंगे, मजाक बनाएंगे, बोलेंगे भाई तू इस लायक तो है ही नहीं, तुझमें वो चीज़ है ही नहीं जिसके लिए तू भाग रहा है। फिर लोग आप पर हंसना शुरू कर देंगे और आपको, उन्होंने बताया कि आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। वो जो लोग हंस रहे हैं उसको मोटिवेशन समझ के आगे बढ़ना है। और जब आप सक्सेस हो जाओगे तो वही लोग सामने बैठकर आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे, बोल रहे होंगे कि बंदे ने स्ट्रगल किया है। तो ऐसे ही है कुछ गुड्डू कुमार, बहुत ही फ्रैंक टाइप के बंदे हैं, बहुत ही अमेजिंग पर्सन है। एक बार जाके उन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हमारे साथ बने रहें ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए। और अगर आपको गुड्डू कुमार से कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमें बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप गुड्डू कुमार को कैसे जानते हैं, आपको वो किस तरीके से पसंद है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।